प्रोफेसर स्वागत रॉय जी। मैं सुना हमारे वित्त मंत्री बहुत लंबे चढ़े भाषण दिए व्हाइट पेपर आर्थिक स्थिति पर। मेरे ख्याल में वित्त मंत्री को पहले माफी मांगना चाहिए था सारा देश को पास डिमोनेटाइजेशन के लिए। इतना बड़ा स्कैम इतिहास में नहीं हुआ। ये लोग बताए थे कि सब काला धन वापस आ जाएगा, लेकिन डिमोनेटाइजेशन के पहले 16 लाख करोड़ कैश सिस्टम में था। डिमोनेटाइजेशन के बाद 16 लाख करोड़ रुपया वापस आ गया। कहाँ से आया? आप लोग बोलते थे कि पाकिस्तान से टेररिस्ट फंडिंग आता है, हम इसको बंद करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 150 लोग लाइन में खड़ा होके मर गए बैंक का लाइन में। इसके लिए कोई माफी सरकार से नहीं आया और वो बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि वो करप्शन के खिलाफ है। मैं क्या पूछ सकता हूँ कि नीरव मोदी कहाँ है, मेहुल चोकसी कहाँ है, विजय माल्या कहाँ है? आपको पास कानून है फॉर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। जेटली जी जब वित्त मंत्री थे लाए थे, आज जेटली जी गुजर गए और नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या देश में वो वापस नहीं आए। आई डू नॉट से दैट करप्शन शुड बी डिफेंडेड। यू नो आवर पार्टी वॉज पार्ट ऑफ UPA फ्रॉम 2009 टू 2012। व्हेन द कोल स्कैम केम आउट, आवर पार्टी डिसाइडेड दैट वी क्विट द गवर्नमेंट। इन 2012 वी कुड क्विट द गवर्नमेंट, वी केप्ट आवरसेल्व्स अवे। लेकिन हम चाहते थे कि ये डिमोनेटाइजेशन का पूरा हिसाब हो। हम फिनेंस स्टैंडिंग कमिटी में उठाए, उसको रिपोर्ट, ये आज मेंबर बहुत बड़े बात किया, वो करने नहीं दिया। डिमोनेटाइजेशन का रिपोर्ट वीरप्पा मोली हमारा कमिटी के चेयरमैन थे, वो आने नहीं दिया। सर, मैं ये नहीं बताता कि UPA सब ठीक था, लेकिन UPA गरीब लोगों के लिए महात्मा गांधी NREGA किया था। आपके समय, आप दिखाइए गरीबों के लिए एक भी बड़ा कदम आप उठाए। वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA लाए थे फ्री फूड देने के लिए। उन्होंने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लाया, उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया। UPA गवर्नमेंट आधार 2006 में लाया था और 2008 में जब सारा दुनिया में आर्थिक संकट था, तब हमारे बैंकिंग सिस्टम वो UPA के समय में उसको मुकाबला किया। आज हम ये कहते हैं कि ये सरकार में कोई नहीं है जो ये सब संभाल सकते हैं। ये इसका जमाने में बंद हो गया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आप ये सरकार केवल ईडी और CBI का इस्तेमाल करते हैं, बोलता बड़ा बड़ा स्कैम। सर, मैं पूछ सकता हूँ क्या कि एक भी स्कैम में कन्विक्शन हुआ? 10 साल हो गया, क्या कर रहे थे आप? केवल ईडी CBI से विरोधियों को रेड कराते, एक भी आदमी को कन्विक्शन आप नहीं कर पाए। अब जानते हैं बैंकिंग के बारे में बोल रहे हैं। बैंकिंग अगर रघुराम राजन
वो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, वो पहले एसेट क्वालिटी रिव्यू किया था, वो नहीं करते तो बैंक डूब जाता, लेकिन रघुराम राजन को ये लोग टिकने नहीं दिया क्योंकि वो नेक आदमी था। आज भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया अदानी के बारे में, वो रिपोर्ट पर सेबी को रिपोर्ट देना था, लेकिन ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में कोई राय ये सरकार से नहीं आया। सर, इनके जमाने में, ये डिफेंस डील की बात करते हैं, राफेल का खरीदने में क्या घोटाला हुआ, ये क्यों नहीं सरकार सामने लाते हैं, सामने बताते हैं? सर, ये शारदा चीट फंड के बारे में बोले हैं, तो मैं पूछता हूँ, हम लोग ये भी हमारा फिनांस कमेटी में चर्चा किया, हम एक तो रिपोर्ट दिया और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट की, सबसे बड़ा शारदा का बेनिफिशियरी जो था वो आज असम के चीफ मिनिस्टर है, मोदी जी का घनिष्ठ है, वहाँ भी कुछ कदम नहीं उठाया गया, एक भी आदमी आज तक कन्विक नहीं हुआ। तो मैं ये कहने चाहता हूँ, ये सरकार केवल ईडी और सीबीआई को लेके सरकार चलाते हैं, मोदी जी का दो भाई ईडी और सीबीआई, ये दोनों भाई को लेके चलते हैं, देश को ये आगे नहीं बढ़ाने सकते हैं। सर, ये लोग फोन बैंकिंग कहते हैं, मैं एक तो एग्जांपल देता हूँ, अदानी जी को ऑस्ट्रेलिया में माइन खरीदना, मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जब गए अदानी भी उनके साथ गए, और स्टेट बैंक का चेयरमैन जो थी महिला वो भी साथ में गया ताकि अदानी आसानी से खरीद सके। इनका कोल माइन खरीदने के बारे में कोई जांच नहीं होगा? मैं तो कहता हूं कि ये सरकार देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। मैं तो पहले भी बताया हूँ कि इनके ज़माने में लेटेस्ट इन्फ्लेशन फिगर क्या है, रिटेल इन्फ्लेशन सर्च टू 5.69% इन दिसंबर 23। द सीपीआई रीडिंग कंटिन्यूज टू क्रॉस द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपर टॉलरेंस मीडियम टर्म टारगेट ऑफ 4% विद इन ए बैंड। ये दाम सब चीज़ का बढ़ रहा है, खास करके फूड एंड वेजिटेबल्स लाइक ओनियन, इसको ये लोग नहीं संभाल पा रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैं कहने चाहता हूँ कि इनके ज़माने में रिफॉर्म्स बंद हो गया, ये सरकार में कोई नहीं है जो आर्थिक ढांचा क्या होना चाहिए 2034 में या 44 में वो बता सकते हैं। ये सरकार में एक भी वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिस्ट नहीं है, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ये वित्त मंत्री तो कोई इकोनॉमिस्ट है नहीं, उनको जानकारी भी है नहीं। सर, वो जीएसटी किया था, लेकिन जीएसटी हैज डिसरप्टेड एग्जिस्टिंग ट्रेड एंड स्ट्रक्चर्स, वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाए, लेकिन उससे केवल 20% ऑफ बैंक लोन्स आर बीइंग रिकवर्ड और नहीं है। ये सरकार निकम्मा है, इसमें काबिल आदमी नहीं है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। सर, ये फिनांस मिनिस्टर वाइट पेपर में रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में नहीं बोला, उन्होंने नहीं बताई कि 30,000 फार्मर एंड एग्रीकल्चरल लेबर वो खुदकुशी किया, और वो नहीं बताया कि वीमेंस पार्टिसिपेशन इन दी वर्कफोर्स इतना कम है। सर, मैं बताने चाहता हूँ कि इसके ज़माने में
इंडिया का जीडीपी ग्रू एट ऑन द एवरेज ऑफ 5.6%, बट इंडियाज ग्रोथ रेट वॉज हायर फ्रॉम 2000 to 2010 एट 6%. इकोनॉमी से इंडियाज इकोनॉमी यू नीड टू ग्रो फॉर मोर देन 6 to 7%. रघुराम राजन ने क्या बताया, बोलते इंडिया इज पुअरेस्ट एमंग ब्रिक्स नेशन, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. इट हैज ऑल्सो ए लार्जर डिस्टेंस टू ट्रेवल. ग्रोथ हैज टू बी सेट इन परस्पेक्टिव. सर, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी हाई कंपेयर टू प्री पैंडेमिक लेवल्स. CMI बोलता ये 10% छोड़ गया और हमारे नौजवानों में 15 से 34 साल जिसको उम्र अनएम्प्लॉयमेंट. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.